मामूजान चाय। अरे वाह बेटा वाह, इस चाय की बड़ी शदीद जरूरत थी। मामूजान आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा। मामूजान वो काशिफ या उसके घर वालों ने आपसे कोई राब्ता किया? नहीं निम्मो, अगर राब्ता करते भी घटिया लोग तो मैं एक फोन कॉल पर तो कभी नहीं भेजता तुम्हें। कोई अपनी बहू को इस तरह घर से निकालता है? अब काशिफ अलग घर लेगा तभी भिजवाऊंगा तुम्हें। मामू, मामूजान मैं नहीं चाहती कि अब मैं काशिफ के साथ वापस जाऊं, ना ही वो मेरे लिए अलग से घर ले। एक औरत के लिए उसका शोहर उसका मान होता है, और काशिफ ने अपने घर वालों की बातों में आकर ऐसा कौन सा जुल्म है जो मुझ पर नहीं किया? मामूजान अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं काशिफ के साथ वापस नहीं जाऊंगी। तुम परेशान मत, तुम्हारा मामू अभी जिंदा है। बूढ़ा जरूर हो गया हूं लेकिन अपनी बेटी की खातिर चट्टान बनकर लड़ने की ताकत है मुझ में। मैं खामोश हूं तो जेवर मिलने तक। वो नामुराद लड़का मिल जाए और FIR खारिज हो जाए फिर देखना, मैं केस करूंगा उन लोगों पे। मामू जान अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे। मेरे तो माँ और बाप दोनों आप ही हैं। मामू जान आपसे एक इजाजत लेनी थी। मैंने कुछ किताबें लेने जाना है, मैं चली जाऊं? वैसे भी मुमानी मिलाद पे गई हुई है, रात तक आएंगी। हाँ बेटा चली जाओ, बल्कि रुको तुम तैयार हो जाओ, मैं लेके चलता हूँ। नहीं नहीं आप आराम कीजिए, मैं चली जाऊंगी। चलो ठीक है, फिर ये पैसे पकड़ो और ध्यान से जाना। आप फिक्र ना करें, मैं यूं गई और यूं आई। और सुनो, वो अपनी पसंदीदा रबड़ी भी खा लेना। याद है ना जब किताबें लेने जाते थे तो किताबें लेने से पहले जिद करके रबड़ी और फालूदा खाती थी तुम? जी, आपने दवाई ली है मामू जान? हाँ बेटा ले ली। बेफिक्र होके जाओ बेटा, तुम्हारे मामू को कुछ नहीं होगा, मैं बस आराम करूंगा। या अल्लाह इसकी मुश्किलात आसान कर दे। इनकी तरफ से तो पेमेंट आ चुकी है ना? आ चुकी है, आ चुकी है। अरे यार कट करना पड़ेगा, इसको काट दो। हेलो। वालेकुम सलाम सर। जी जी बोलिए। जी जी सर बिल्कुल, हम आ जाते हैं, अभी आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। अब्बा कमाल हो गया, पुलिस स्टेशन से कॉल थी, कह रहे हैं फराज को गिरफ्तार कर लिया और जेवर भी मिल गए। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे तूने हम गरीबों की कैसे कमाई लौटाई है, तेरा शुक्र है मालिक। देखा आपने, मैंने पूरे 1000 रुपए की मन्नत मानी हुई थी कि मैं गरीबों में खाना तकसीम करूंगी। अल्लाह तेरा शुक्र। भाई मेरा ख्याल है हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, अगर फराज पकड़ा गया है तो यकीनन निम्मो भी गिरफ्तार हो गई होगी। चलते हैं। और अम्मा मैंने कहा था ना तुमसे, परेशान नहीं होना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब अपनी ना वो दवाइयां लेना छोड़ दो तुम, मुझे बहुत फिक्र होती है तुम्हें इस हाल में देख के। अरे मैं सदके मैं वारी, अल्लाह तेरे जैसी औलाद तो ना हर माँ बाप को दे। देखा आपने कैसा तब्दील हो गया मेरा बच्चा, उस मनुस मारी ने तो पता नहीं कैसा जादू कर रखा था मेरे बच्चे पर। अच्छा अम्मा अब हम चलते हैं, और वो जरा हीरा को एक बार देख लेना कि तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया? अल्लाह खैर, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं जाके देखती। अच्छा तू फिक्र ना कर, जा जा मैं जा रही। चलो बेटा। हाँ, जा मैं देख। या अल्लाह तेरा शुक्र है। या अल्लाह, अरे बेड़ा गरक है इस मनुस्मारी निम्मो का।
शीबा तुम दिन में सो रही हो? क्या हो गया नदीम, कब आए आप? मेरे दिन पे सोने में भी आपको एतराज होने लगा है? नहीं नहीं, एतराज नहीं हो रहा, वो बस परेशान हो गया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं, क्योंकि कभी तुम दिन में सोती नहीं हो ना। थक गई हूँ, आप दोनों बाप बेटी को समझते समझते। I can't understand both of you. ऐसे क्यों बोल रही हो? मिनाल तुम्हारी भी बेटी है। नहीं, वो मेरी बेटी नहीं बन सकी, जैसे तुम मेरे नहीं बन सके, मिनाल भी मेरी नहीं बन सकी। ऐसा क्यों सोच रही हो? अगर तुम चाहो ना तो मैं एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकती हूँ, यकीन और एतमाद के सहारे। समझो मेरी बात। सब समझ रही नदीम। यकीन और एतमाद भी सामने वाले के अमल से जाहिर होना चाहिए। मैं तुम पे यकीन करना चाहती, मगर तुम कुछ ऐसी हरकत कर जाते हो जिससे मेरा एतमाद टूट जाता है, सब कुछ धोखा लगने लगता है। शिवा, सब कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारा वहम है। और अगर तुम ये वहम के बीज को पालोगी ना तो सब कुछ जल के राख हो जाएगा। और ये जो शक होता है ना, ये दीमक की तरह होता है, एक ऐसा दुश्मन होता है जो सारे रिश्तों को खा जाता है। नदीम, ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएं, जहाँ कोई भी ऐसा ना हो जो तुम्हारे और मेरे बीच में शक का सबब बन सके। शीबा, मेरे और तुम्हारे दरमियान में कोई नहीं, और से देखो दिखता है कोई? क्यों जरूरत है? मुझे तो ऐसा लगता है कि इस घर में मैं दो बच्चों को संभाल रहा हूं। काशिफ क्या पागल हो गया है? बहन पे इस तरह हाथ उठाते हैं क्या? आप पागल हो गया, वो पागल हो गया है, शुरू से पागल है ना, हमेशा से ही तो हाथ उठाता रहा इस पे। इसके कारनामे पता है तुम्हें? हैं? मैं बताता हूं इसके कारनामे। तुम ये बताओ भाई, ये फराज कौन है? अबू, मैं किसी फराज को नहीं जानती, पता नहीं काशिफ भाई ने मुझमें क्यों हाथ उठाया। मैं कह रहा हूं ना कि झूठ मत बोलो। अरे फूटती क्यों नहीं है मुंह से, बताओ फराज कौन है? ये नहीं फूटेगी।